चामोशी वन क्षेत्र की कार्रवाई वन्य प्राणी शिकार मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार करने की घटना चामोशी वन क्षेत्र अंतर्गत भड़बीड़ी उप जिला आमगांव के खेत में हुई। 25 अगस्त को आमगांव क्षेत्राधिकारी के मऊजा रेखे गांव स्थित गौतम बीजा वलके के घर में जंगली सुअर मटन की मौजूदगी की गोपनीय सूचना के आधार पर चामोशी वन परिक्षेत्र के भड़बीड़ी उपक्षेत्र के वन अमले गौतम बीजा के घर गए। वालके ने रात 8:30 से 9 बजे जरम गुंजा में जंगली सुअर का निरीक्षण किया। पका हुआ मटन मिला। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने मऊजा रेखे गांव के विक्की प्रफुल गोटा से खरीदा था। तत्पश्चात दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध वन अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया और दिनांक 26 अगस्त 2022 को उन्हें माननीय दंड अधिकारी चामोशी के समक्ष पेश किया गया और न्यायालय ने अभियुक्तों को दिनांक 26 अगस्त 2022 को सजा सुनाई। 27 अगस्त 2022 तक फॉरेस्ट रिमांड। इस घटना में और भी आरोपियों के शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस घटना की आगे की जांच राहुल सिंह टोलिया, वन संरक्षक प्रदीप बुधनवार, वरिष्ठ प्रवर्तन अधिकारी अलापली द्वारा आरबी इनवाटे वीएस वाहन चालक के रूप में अक्षय राउत, वन रक्षक किशोर वेरागढ़े, वन रक्षक राव, वन रक्षक आनंद साखरे, वन रक्षक दीपक दूध भावरे कार्यरत हैं। चामोशी से बीसीएन न्यूज के लिए बबन वडट्टीवार की रिपोर्ट।